बिग बॉस कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा अपनी लव लाइफ और अपने गुस्से को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। पारस जिस तरीके से घर के अंदर लड़कियों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं और छोटी छोटी बात पर पारस बेकाबू हो रहे हैं, उसके चलते पारस को लेकर तरह तरह की खबरें बन रही हैं। वेल, आपको बताते हैं कि रियल लाइफ में भी पारस ने एक बार गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया था कि उनके रूममेट को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। असल में पारस स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट शिवम बब्बर के साथ मुंबई मलाड में एक फ्लैट में रहते थे। पारस और शिवम मलाड में फ्लैट का बराबर बराबर किराया देते थे, लेकिन एक दिन पारस को शिवम पर बहुत गुस्सा आ गया। किसी बात को लेकर पारस और शिवम में झगड़ा हो गया, जिसके बाद पारस ने न इधर देखा न उधर, सीधा शिवम बब्बर का सामान उठाया और फ्लैट से बाहर फेंक दिया। बावजूद इसके कि शिवम बब्बर का फ्लैट के किराए में बराबर का शेयर था, शिवम बब्बर बेचारे चाह कर भी कुछ कर नहीं पाए और उन्हें अपना डिपॉजिट और फ्लैट दोनों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद शिवम बब्बर सचमुच सड़क पर आ गए। तब शिवम बब्बर की मदद के लिए विकास गुप्ता सामने आए और विकास गुप्ता ने शिवम को अपना स्टूडियो दिया और कहा कि तब तक यहाँ रह सकते हो जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिलता। अब भाई शिवम बब्बर सिंगल भी थे और स्ट्रगलिंग एक्टर भी, ऐसे में मुंबई में घर मिलना कितना मुश्किल है आप सोच ही सकते हैं। फिर क्या था, 10 से 12 महीने शिवम बब्बर को विकास गुप्ता के स्टूडियो में ही रहना पड़ा और महीनों बाद जाकर शिवम को अपना घर मिला। वेल, पारस गुस्से में न ये सोचते हैं कि वो किसी का क्या नुकसान कर रहे हैं, न ये सोचते हैं कि इससे उनका क्या नुकसान हो रहा है। और ये बात तो पारस की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी भी कह चुकी है कि पारस छाबड़ा को एंगर इश्यूज हैं। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।